हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट मज़ेदार सी गर्मा गर्म जलेबियाँ, जो कि 10 मिनट में तैयार होंगी और इसे मैं बनाऊँगी गिट्स के पैकेट के साथ। लेकिन उससे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। गिट्स में जलेबी पाउडर के साथ हमें जलेबी मेकर भी मिलेगा और बैक साइड पे सारी इंस्ट्रक्शन जी। यहाँ पे 3 स्टेप हैं, वो स्टेप मैं आपको वीडियो में आगे करती जाऊंगी और आपको आसानी होगी। पैकेट में जितना पाउडर हमें दिया था सारा पाउडर एक बोल में निकाल लेना है और उसे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक दिए गए पानी के साथ एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। जब ये स्मूथ सा बैटर तैयार होगा, इसमें कोई भी लंप बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर होगा, तब हम इसे मेकर में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है और अब इसे जलेबी मेकर में डाल रही हूँ। जलेबी मेकर में डालने के बाद अब हम जलेबियाँ तैयार करेंगे। यहाँ पर ऑयल लो फ्लेम के ऊपर ही गर्म होने रखा है और साथ साथ जलेबियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। पैकेट के ऊपर लिखा था कि आप 3 रिंग बनाएं और लास्ट में उसे सिक्योर भी करें, वरना जलेबियाँ खुल जाएंगी। इसी तरह हम 3 रिंग बनाते हुए जलेबियाँ तैयार कर रहे हैं। जलेबियाँ हमें लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करनी है, बनानी है अभी, वरना हमारे हाथ बर्न हो जाएंगे जब हम सारी जलेबियाँ डाल देंगे ऑयल में। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। एक वक्त में आपके पैन में जितनी भी स्पेस हो आप उतनी जलेबियाँ डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 जलेबियाँ फ्राई करनी है या 4। स्पेस जितनी हो आप उसे यूटिलाइज करें और फटाफट झटपट से बहुत सारी जलेबियाँ तैयार कर लें। अब यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर मैंने सारी जलेबियाँ डाल दी हैं और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। जब हम जलेबियाँ डालेंगे उस वक्त चमचा नहीं चलाना, जब ये कलर चेंज कर लेंगी और थोड़ी सी क्रिस्पी नज़र आएंगी तब हम इन्हें अलट पलट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये अच्छी खासी क्रिस्पी हो चुकी हैं, कलर भी चेंज हो चुका है, तो अलट पलट करके 1 मिनट और फ्राई कर लेंगे हम इन्हें। और ये जब अच्छी सी क्रंची हो जाएंगी बोथ साइड से तब हम इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इन्हें प्लेट में रख के ठंडा करेंगे, जितनी देर में हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि 10 ऑन्स शुगर में 8 ऑन्स वाटर डालकर हमें शुगर सिरप तैयार करना है, तो बस इसी तरह हम शुगर सिरप भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर वाटर को मैं शुगर डिजॉल्व करके उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी में जैसे ही उबाल नज़र आएगा उस वक्त हम इसमें सैफ्रॉन यानी ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रेंड्स शामिल कर देंगे और 5 मिनट तक इसे थोड़ा सा थिक होने के लिए पकने देंगे। जब 5 मिनट तक ये पक जाएगा उसके बाद हम इसमें अपनी तैयार की हुई जलेबियाँ शामिल कर देंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर लो कर दिया है, चूल्हा ऑफ नहीं किया है और जलेबियों को शुगर सिरप एब्जॉर्ब करने के लिए डाल दिया है। एक एक करके जितनी जलेबियाँ आ सके हम इसमें उतनी जलेबियाँ शामिल कर लेंगे शुगर सिरप में। और बस आधा 1 मिनट ही हमें जलेबियों को इसमें डिप रखना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं। 1 मिनट तक जब जलेबियाँ इसमें डिप होंगी वो अच्छे से शुगर कोटेड भी हो जाएंगी और अंदर भी शुगर चला जाएगा उनके। बस 1 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर हमें जलेबियाँ शुगर सिरप में रखनी है। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी जलेबियाँ हमें नज़र आ रही हैं, इन्हें बनाने में बहुत मज़ा आया, मैंने इन जलेबियों को बहुत एंजॉय किया। और 1 मिनट के बाद इन जलेबियों को हम शुगर सिरप से निकाल लेंगे और बस हमारी ये मज़ेदार सी गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व करने की तैयारी करेंगे। पैकेट पे लिखा था कि आप इसे रबड़ी के साथ सर्व करें, लेकिन
हम इसे खाली भी सर्व कर सकते हैं। और ये मज़ेदार सी गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो जाके इसे लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।